नो ऑल राइट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी के सीईटी का पेपर बिकम सेक्शनल? देखो भैया, अगर आप मेरे को पैसा डालने को बोलोगे तो मैं डालूंगा जंबल पेपर पे, क्योंकि पिछले 2 साल से जंबल डाल रहा है, तो जंबल पेपर आने की तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बट भैया उनका कुछ नहीं पता, क्या पता वो सेक्शन वाइज दे दे, नेवर नो, नेवर नो। ओके, अगर आप ये लिख के चलो, अगर वो जंबल आया तो मेरी सिंपल स्ट्रेटजी 30-40 स्ट्रेटजी, ओके ये मेरी सेट है। अगर सेक्शन वाइज आया तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले कौन से पेपर से स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। आप मेरे को बताओ कहां से शुरू करोगे, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, वर्बल के क्वांट। हाँ जी, एक सेक्शन अपना फाइनल कर लो, कहां से शुरू करना है। लॉजिक, लॉजिक इज योर विराट कोहली, सबका फेवरेट टॉपिक इज LR। विराट कोहली को ओपनिंग मत देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर की स्टार्टिंग विराट कोहली से मत करना, ठीक है, याद रखना मेरी बात ये। क्योंकि अगर विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हो गया, अगर लॉजिक टफ निकला, तो फिर जो बंबू लगा उसके बाद तुम्हारा पूरा पेपर डाउन ही जाएगा उसके बाद से, ठीक है। सो माई रिक्वेस्ट, लॉजिक से स्टार्ट मत करना पेपर, दिस इज माई बोनी का टाइम, लॉजिक से शुरू किया। अगर तो तुम्हें लॉजिक में तुम गॉड हो, मतलब कैसा ही पेपर आने दो तो ठीक है, नहीं देन आई कैन स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट। वेरी गुड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम क्या है, अगर न्यू पैटर्न आ गया, वो जो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी लाइंस आर देयर, वो फिर लग गई तुम्हारी, न्यू पैटर्न आ गया, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट में पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। सो मुझे स्टार्टिंग में कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो पहली बॉल पे आउट होने पे मेरे को फर्क ना पड़े। और मैं तो बताऊं सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा है, वर्बल। हर साल मतलब हर साल सीईटी में वर्बल का पैटर्न इज कंप्लीटली चेंज, चाहे वो आईबीपीएस कनेक्ट कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, वर्बल का पैटर्न इज ऑलवेज चेंज। और बाहर आके पब्लिक का टॉपिक अबाउट टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक एंड क्वांट, वर्बल कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने माइक लेके मैंने पेपर दिया पहली बार, एकदम अजीब पेपर आया था वर्बल का। मैंने आके बच्चे से पूछा कि भाई माइक लेके ना स्टैंड आउट है सीटी सेंटर, कि वर्बल कैसा लगा तुम्हें, अलग पैटर्न था, वर्बल कैसा लगा? तो मैक्सिमम बच्चे, अच्छा वर्बल में कुछ अलग था, हमें तो ग्रामर दिखा, वोकैब दिखा। हाँ भाई, लेकिन वोकैब में न्यू टाइप के क्वेश्चन थे, अच्छा मेरे को पता ही चला। वर्बल इज लाइक शिखर धवन, शिखर धवन अगर पहली बॉल पे आउट हो जाए, मी एज अ व्यूअर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इंडियन टीम का फैन मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंडियन टीम को भी फर्क नहीं पड़ता और शिखर धवन को भी फर्क ही नहीं पड़ता। पहली बॉल पे आउट हो गया, ऑन देख कोई बात नहीं। वर्बल में भाई अगर तेरा सर मेरा अगर वर्बल बहुत वीक है तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारा बेटा वर्बल में अगर 20 नंबर आता है तो तू जो मर्जी उखाड़ ले, तेरे 20 ही आने वाले हैं। हाउ मेनी इफ यू आर लाइक मी, वर्बल का कैसा पेपर डालो मेरे 20 मार्क्स आएंगे, इजी हो टफ हो, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, वही आने वाला, मेरा फिक्स है, मेरा इनरिस्पेक्टिव ऑफ द पेपर अपना फिक्स है। सो वर्बल इज अ आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट विद अ टाइमर, टाइम फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे पर सेक्शन। सो एग्जाम में क्या होगा, आपके पास चार विंडोज होंगी ऊपर, एक लॉजिक का विंडो, एक एब्स्ट्रैक्ट का विंडो, एक लॉजिक को वर्बल का, एक क्वांट का विंडो। तुम्हें अगर टाइमर पे ध्यान ना दिया तो पूरा एक सेक्शन छूटेगा, पूरा का पूरा। सो वर्बल आइडियल टाइम इज 30 मिनट, प्लस माइनस 5 मिनट आप कर सकते हो, आइडियल टाइम 30 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। यार देख अनंत, तू ऐसे बोलेगा कि वहा वर्बल कितने मार्क का आता है आउट ऑफ 20, हाउ मच, तो मैं छोड़ूंगा तेरे को, अगर तुम्हें तो ये नहीं पता कि वर्बल कितने मार्क का है एग्जाम में। सो टाइम, देन सेकेंड स्लॉट आई कैन पुट टिक लॉजिक या एब्स्ट्रैक्ट, तुम्हारे ऊपर है। आई कैन पिक अप एब्स्ट्रैक्ट पहले, इसके लिए 15 मिनट बहुत हो गया, 25 क्वेश्चन, इससे पहले कोई और आके बोले एब्स्ट्रैक्ट के कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन आई विल पिक अप लॉजिक 65 मिनट फॉर 75 क्वेश्चन, एंड देन आई विल पिक अप क्वांट 40 मिनट 50 क्वेश्चन। ओके, नाउ इसमें आप क्या कर सकते हो, जिसको करना है, जो काफी लोग करते हैं कि नंबर 5 में पजल्स को मैंने अलग कर दिया, पजल का जो 30 25 30 मार्क का पजल था उसको मैं अलग कर दिया,
एंड लॉजिक को मैंने अलग कर दिया, एलआर अलग कर दिया, पजल अलग कर दिया। इसके लिए मैंने आखिरी 30 मिनट रखा है या आखिरी 20 मिनट रखा है, क्योंकि तो जितनी पजल मैं करने वाला हूँ, सपोज मैं 2 पजल करने वाला हूँ तो 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, अगर 4 करने वाला तो आधा घंटा बहुत हो गया। यस यू कैन स्विच बिटवीन द सेशन, बट स्विच करने का कोई फायदा नहीं भाई, फाइन, स्विच करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज स्विच करने का टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। देर आर सी, अभी क्या 200 क्वेश्चन एक साथ है, किधर रेड है किधर ऑरेंज है मुझे सब दिख रहा है, क्या कर लिया क्या बाकी है। व्हेन देयर आर 4 सेक्शन यू आर टोटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ तुम्हें क्या कर लिया क्या नहीं किया। तो आप एक सेक्शन वाइज एक बाउंड्री लेके चलो कि मुझे इसके आगे नहीं जाना है। तेजल हमारे एक स्टूडेंट थी, उसने क्या किया, पजल स्टार्ट किया लास्ट में आके, मैथ्स लास्ट में रखा था, मैथ्स स्टार्ट किया एकदम बंबू लग गया मैथ्स, एकदम हाई लेवल दिमाग भी नहीं चल रहा, तो उसने मैथ्स को स्किप करके, थोड़ा बहुत नॉन मैथ्स कर लिया था, मैथ्स को स्किप करके शी वेंट बैक एंड डिड पजल्स। उसने क्या देखा कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो है वो मेरे को नहीं जम रहा, लेकिन पजल मैं समझ सकती हूँ, तो वो छोड़ के वहां पे गई। शी वॉज अ लास्ट पर्सन टू एंटर जेबी में, सपोज जेबी में नंबर ऑफ सीट्स आर 56, ओपन सीट्स आर 56, उसका रैंक वॉज 55, सेकेंड लास्ट पर्सन टू एंटर जेबी, और जेबी से कंसल्टिंग जॉब उठाया सीधा 40 लाख का पैकेज, ठीक है। तो वो आपको फाइनल करना है कि स्ट्रेटजी, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो पजल छोड़ के, मैं मैथ छोड़ के पजल कर लिया, ये छोड़ के, जो भी है ये स्ट्रेटजी तुम्हें पहले फाइनल करनी है, लास्ट डे तक तुम फाइनल नहीं कर सकते। सो वर्बल एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक क्वांट, ये आज आधा घंटा लगा के एक बार फाइनल कर लो कि कौन सा टॉपिक कसम खा के कि ये मैं ऑर्डर में आने वाला हूं, कि ये मेरा टाइम होने वाला है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और ये मुझे टारगेट करना है, ठीक है। ऐश्वर्या रैंक 18 तक ऑल इंडिया कैटेगरी वालों को मिलता है, फाइन। तो एक बार फाइनल स्ट्रेटजी कर लो, वी विल प्रे टू गॉड कि ऐसा जंबला पेपर ही आए जो अपना नॉर्मल पैटर्न चल रहा है, लेकिन नेवर नो यार, वो लोग सेक्शन वाइज डाल दें, क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। सो आपका एक ऑर्डर फाइनल कर लो, आपको जिस ऑर्डर में जाना है आप जा सकते हो। मैं शशांक अभी भी कहूंगा कि अगर वर्बल को आगे रखोगे तुम्हारा बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि वर्बल में दुख दर्द पता नहीं चलता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक अगर ठुक गया वहां जाके बहुत दर्द होएगा, ठीक है। ctking.com/ct में जाओ, यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स, स्कोर कितना आएगा, परसेंटेज कितना आएगा, कॉलेज क्या होएगा, ये क्या है वो क्या है, ctking.com/ct, किसकी कितनी सीटें हैं मैंने सब उसमें डाल दी, एक बार वो देख लो वहां पे, ठीक है जी।